और इस डब्बे की बॉक्सिंग करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में इस डब्बे की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने क्रैकर्स की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया था और उसमें एक बॉक्स बचा हुआ था जिसको हमने बताया था कि अगली वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस बॉक्स को इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद आपको सभी क्रैकर्स दिखाएंगे और आने वाली वीडियोज में सभी क्रैकर्स की टेस्टिंग करेंगे और उसके साथ साथ उनके प्राइस भी बताएंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दीपावली पर हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे गिवअवेज भी आने वाले हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। तो चलिए डब्बे को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसको काट देते हैं। चलो, ये देखें दोस्तों, पूरा का पूरा बॉक्स क्रैकर से भरा हुआ है और हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको इन सभी के प्राइस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियोज में इनकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको हर अलग अलग डब्बे का, अलग अलग क्रैकर्स का प्राइस बता दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, ये सभी क्रैकर्स मैंने होलसेल में खरीदे हैं, रिटेल में आपको ये 10, 20, 30, 40, 50 रुपये महंगे मिल सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस डब्बे से। तो दोस्तों, ये है 1000 क्रैकर्स, बिजली क्रैकर्स आते हैं उनकी लड़ी दोस्तों। तो ये मेरे को 250 रुपये मिले, 250 रुपये में मिली थी होलसेल प्राइस पर। तो दोस्तों, मैं आपको सभी क्रैकर्स की प्राइस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो जैसे जैसे वीडियोज़ में टेस्टिंग आती जाएगी तो आपको प्राइस भी मैं बताता चलूंगा। तो ये इसकी प्राइस मुझे याद थी दोस्तों, इसमें 1000 पटाखे हैं। इनकी अनबॉक्सिंग भी आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इनकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो चलिए, इनको रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों, ये देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, 25 इस पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 25 शॉट है दोस्तों। जो आसमान में जाकर आतिशबाजी करते हैं, एक साथ 25 शॉट निकलते हैं दोस्तों, ये 25 शॉट वाला इसका ही शॉट है दोस्तों। इसकी प्राइस पड़ी थी मेरे को लगभग 130 रुपये के आसपास, नहीं सॉरी 230 रुपये के आसपास, और ये आपको होलसेल में मिलेगा। रिटेल में आपको थोड़ा 250 या 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो आने वाली वीडियोज में इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों, अगले डब्बे की बात करते हैं, तो ये है दोस्तों। इसमें दोस्तों दो स्काई शॉट हैं, जिसकी टेस्टिंग भी दीपावली तक हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद चलते हैं अगले। हाँ, तो दोस्तों, इसमें है सोनी के स्काई शॉट, ये 3 पीस का डब्बा आता है, जो मेरे को 150 रुपये में मिला था, और इसकी भी टेस्टिंग आने वाली वीडियोज में आपको मिल जाएगी, तो इसको भी रखते हैं साइड में। चलते हैं अगले प्रोडक्ट पर। तो दोस्तों, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मेरे को वहाँ पे मिला था, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। मैंने आज तक इसको यूज़ करके नहीं देखा है दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों सेल डलते हैं, उसके बाद ये स्काई शॉट चलता है दोस्तों। इसमें सेल 12 वोल्ट की बैटरी लगती है दोस्तों। तो ये आने वाली वीडियोज में देखेंगे, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था, तो आने वाली वीडियोज में आपको दिखाऊंगा। इसको एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ इसमें क्या सिस्टम है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, ये देखिए इसका बटन है दोस्तों, यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी इंस्टॉल होती है। ये बटन दबाने के बाद ये स्काई शॉट चलता है दोस्तों। मैंने इससे पहले ऐसे बटन वाला स्काई शॉट कभी नहीं देखा था। तो यदि आपको इस वीडियो की टेस्टिंग देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही जल्द इसकी टेस्टिंग भी आने वाली है। तो दोस्तों, इसको भी रख ही देते हैं। और दोस्तों, वहीं अगर इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये मेरे को लगभग 200 रुपये के आसपास मिला था, यानी कि एक पीस 100 रुपये का। बाकी कंफर्म मुझे याद नहीं है, आने वाले वीडियोज में जैसे इसकी टेस्टिंग करेंगे तो इसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे दिया जाएगा। तो चलिए, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। तो दोस्तों, ये है कलरफुल माचिस, ये देखिए दोस्तों। ये मेरे को 270 रुपये का बॉक्स पड़ा था, इसमें लगभग 20 माचिस हैं, ये कलरफुल माचिस हैं दोस्तों। इसकी भी टेस्टिंग अगर आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये कुछ अलग अलग कलर्स की माचिस होने वाली हैं, तो इसकी भी टेस्टिंग आने वाली वीडियोज में करेंगे। तो चलिए, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है, यहाँ पे लिखा है झिलझिल। तो ये दोस्तों, झिलझिल का मतलब ये जो बड़ी साइज की बत्ती होती है, जिनको क्रैकर्स के साथ रखा जाता है जलाने के लिए, ताकि भागने का मौका मिल सके, जिससे कोई खतरा नहीं हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बोलूंगा, इसका यूज करके ही क्रैकर्स जलाएं, जिससे खतरा बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें
तो उसके बाद आता है ये वाला दोस्तों। ये सेम प्रोडक्ट आपको पहले भी दिखाया था और ये दूसरा प्रोडक्ट है। इसमें 2000 पटाखे हैं दोस्तों, बिजली पटाखे। ये 2000 की लड़ी है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। ये मेरे को 350 रुपये में मिली थी दोस्तों, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये हैं बिग साइज के रॉकेट। इसका प्राइस मुझे पता नहीं है, तो आने वाले वीडियोज में मैं आपको इसके प्राइस बता दूंगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये होलसेल प्राइस है, ना कि रिटेल प्राइस। कहीं आप लोग सोचो इस रेट के तो हमें नहीं मिल रहे, तो ये होलसेल प्राइस होते हैं दोस्तों। रिटेल में आपको 10-20-50 रुपये तक महंगे मिल सकते हैं। तो ये बड़े साइज के, मतलब मीडियम साइज के रॉकेट हैं, तो इनकी भी टेस्टिंग करेंगे। इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये दोस्तों उससे थोड़ा बड़ा साइज का रॉकेट है दोस्तों, उससे थोड़ी बड़ी साइज का। इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको उसके साथ प्राइस भी इसका बता दिया जाएगा। इसको भी रखते हैं साइड में। और यदि दोस्तों आप इन सभी की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो और इनके प्राइस देखना चाहते हो और टेस्टिंग भी देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद दोस्तों ये एक और रॉकेट है जो कि अलग साइज का है, इसकी भी आने वाली वीडियोज में टेस्टिंग मिल जाएगी। इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों यदि हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास ये आता है दोस्तों। ये सेम प्रोडक्ट हमने आपको पहले भी दिखाया था, ये दूसरा वाला प्रोडक्ट है दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। जो कलरफुल माचिस दिखाई थी उसी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो इसकी भी टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। और हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग और वीडियो आपको अलग अलग वीडियोज में बताई जाएगी, ना कि एक ही वीडियो में। तो आपको यकीन मानो बहुत ही मज़ा आने वाला है आने वाले वीडियोज में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास फिर से आ जाते हैं स्काई शॉट। क्योंकि दोस्तों जो दीपावली पर स्काई शॉट चलाने का मज़ा है वो किसी और क्रिकर्स में नहीं है, इसलिए मैंने स्काई शॉट ज़्यादा मात्रा में परचेज किए। यदि आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कितने रुपए के पटाखे खरीदे हैं, तो मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा मैंने कितने रुपए के पटाखे परचेज किए हैं। तो दोस्तों ये स्काई शॉट, इस बॉक्स में 3 स्काई शॉट आते हैं और ये मेरे को 300 रुपये में, यानी कि एक स्काई शॉट 100 रुपये में मेरे को मिला था दोस्तों। और यही स्काई शॉट यदि आप रिटेल में परचेज करना चाहोगे तो आपको लगभग 450 रुपये इसके परचेज करने पड़ सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग भी आने वाली वीडियोज में आपको मिल जाएगी। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों फिर से जैसा मैंने आपको बताया, इसका शॉट दीपावली पर चलाने में जो मज़ा है वो किसी और क्रिकर्स में नहीं है, और इनके साथ अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट भी किए जा सकते हैं। हम इसका शॉट का शहर निकाल लेंगे, उसमें सूतली बम डाल देंगे, फिरकी डाल देंगे, या बिजली पटाखे डाल देंगे, बम डाल देंगे, ऐसे इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसको काट कर दिखाएंगे इसके अंदर क्या होता है। यदि वो वीडियो आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मैं चलते हैं अगले बॉक्स की ओर। और इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये मेरे को लगभग 250 रुपये में मिला था, लेकिन कन्फर्म मुझे याद नहीं है, तो इसका प्राइस मैं चेक करके टेस्टिंग के साथ साथ आपको बताता चलूंगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले बॉक्स की ओर। तो दोस्तों इसमें है पिस्टल, जैसा कि आप चित्र देख के समझ चुके होंगे दोस्तों। और इसमें ना कोई पटाखे डालते हैं, ना कोई बारूद वगैरह डालता है, इसमें माचिस की तिल्ली डालनी पड़ती है, उसके बाद इसको चलाना होता है। तो दोस्तों एक तो ये प्रोडक्ट है जो मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ, तो गिव अवे में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के रखना, और वीडियोज़ के नीचे कोई भी कमेंट करना है, लेकिन अच्छा कमेंट होना चाहिए और वीडियो को शेयर करना है। तो इसको भी रखते हैं साइड में, और इसकी भी टेस्टिंग मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो इसमें दोस्तों वही सोनी वाला जो मैंने आपको बताया था कि 3 स्काई शॉट हैं, तो वो सेम ही वो प्रोडक्ट है जो मैंने अलग अलग परचेज किए थे। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। दोस्तों ये डब्बा कुछ बड़ी साइज का लग रहा है मेरे को, इसमें क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये टोर लिखा हुआ है, थोर है कि टोर है ये आप लोग समझ लेना, ये नाम यहाँ पे लिखा है। इसमें स्काई शॉट है दोस्तों। ये मेरे को 600 रुपये का बॉक्स मिला था जिसमें 2 स्काई शॉट है, मतलब एक स्काई शॉट की 300 रुपये कीमत है दोस्तों। तो इसको भी अगली आने वाली वीडियोज में टेस्टिंग करेंगे, तो आने वाली वीडियोज में इसकी भी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों एक बॉक्स और है हमारे पास, सेम स्काई शॉट वाला एक बॉक्स और है। ये और वो देखिए, इधर वाला ये वाला दोनों सेम है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं है क्योंकि पहले आप लोग देख चुके हो। तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलें। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे को ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पिस्टल जिसमें रिंग डलती है या विसल डलती है और ये चलती है। अगर आपको नहीं पता इसको यूज़ कैसे लिया जाता है, तो आने वाली वीडियोज में आपको ये भी पता चलेगा, और इसका भी गिव अवे हम लोग रखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलें। तो हमारे पास ये है दोस्तों कुछ, ये क्या है भाई,
रेनबो फोग दोस्तों, रेनबो फोग इसमें कुछ इंद्रधनुष टाइप में बनेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेनबो फोग, तो मतलब इंद्रधनुष के जैसा कुछ इसमें होना चाहिए। मेरे को एक्चुअली में नहीं पता है इसके अंदर क्या है, तो यदि आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट्स करके बता देना, और आपको नहीं पता है तो आने वाले वीडियोज में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसका टेस्टिंग भी करेंगे इसके अंदर क्या हो रही है, कितने रुपये में हमें मिला है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलें तो दोस्तों ये है, ये क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों पता नहीं कुछ हेलीकॉप्टर जैसा क्या है ये दोस्तों। मैंने तो इससे पहले इसको यूज़ नहीं किया है, यदि आप लोगों ने इसको यूज़ किया हो तो नीचे कमेंट्स करके बताना कि ये क्या है, और हम आने वाले वीडियोज़ में इसकी भी अनबॉक्सिंग करके इसको टेस्ट करके देखेंगे कि क्या है और हमें कितने रुपये मिला है, ये आने वाली वीडियोज़ में भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा, तो इसको रखें साइड में दोस्तों। ये दोस्तों वही सेम डब्बा है, इसको भी साइड में रख ही देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलें तो दोस्तों ये है हमारे पास कुछ छोटे छोटे बोम, इसको भी टेस्ट करके देखेंगे, ये कुछ लगभग 20-25 रुपए का मेरे को मिला होगा, पता नहीं, इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलें तो ये है दोस्तों, ये भी बोम है दोस्तों, जो कि अच्छे बिग साइज़ के हैं, इसका ही शॉर्ट है ये दोस्तों। ये कितने रुपए का मिला था मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको देख के आपको बता दूंगा, इसकी टेस्टिंग अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों मेरे पास ये सेम कलर के दो बॉक्स है दोस्तों, इसमें मेरे हिसाब से रॉकेट होने चाहिए, बाकी कन्फर्म मुझे नहीं पता है इसके अंदर। हाँ, इसके ऊपर जैसा कि इमेज बना हुआ है तो इसके अंदर रॉकेट है दोस्तों बिग साइज के, तो इनको भी आने वाली वीडियोज में टेस्ट करेंगे और इसका प्राइस भी आपको बता देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा भी होगा, हमने काफ़ी सारे स्नैक्स एक साथ जलाए थे तो कैसा व्यू आया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे चैनल को चेक करके आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि इस बार उससे भी ज़्यादा सांपों का एक साथ जलाया जाए, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों, ये देखिए 1, 2, 3 और 4 दोस्तों, इसके लिए मैं 4 बॉक्स लेके आया हूँ, इन सभी को एक साथ जलाएंगे और वीडियो में कितना मजा आएगा ये यदि आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको पता चले कि ये वीडियो मैंने कब लॉन्च कर दी है। तो ये भी अगली वीडियो में बताएंगे आपको इनको एक साथ जला के कि कैसा अच्छा व्यू आता है कि कैसा आता है। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये मेरे को लगभग 85 रुपये का एक बॉक्स मिला है, तो आप लगा लेना है 4 बॉक्स मेरे को, सॉरी 85 का नहीं दोस्तों, 185 रुपये का मिला है, और इसमें शायद छोटे छोटे 100 बॉक्स होंगे, तो टोटल बॉक्स हमारे पास 400 हो गए, 400 बॉक्स को सभी वो एक साथ जलाएंगे, तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे पास ये स्पेस दोस्तों मोर बना हुआ है, मेरे को शॉपकीपर ने बताया था कि इसको जलाने पर मोर के आकार में बनेगा दोस्तों, इसमें केवल एक ही पटाखा है और वो मोर का आकार ले लेता है, ऐसा मेरे को बताया गया था, अब ये लेता है कि नहीं लेता है ये तो इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आप लोग, और हाँ, ये 140 रुपये का मेरे को एक बॉक्स मिला जिसमें केवल एक ही पटाखा है, और ये जो दिखा रखा है ऐसी डिजाइन में इसमें मोर बनने वाला है, ऐसा मेरे को शॉपकीपर ने बताया था, तो ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे, तभी पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं, आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये आने वाली वीडियोज में आपको मैं बताऊंगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करी जाए तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये है बिग साइज़ का अनार, इस बॉक्स में हमें 2 अनार देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये दोनों अनार देखो कितनी बड़ी साइज़ के हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने साधारण अनार जलाए होंगे, लेकिन हम इस अनार के साथ कुछ अलग करेंगे, यदि आप देखना चाहते हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसके प्राइस की बात करें तो लगभग मेरे को एक अनार 60 रुपये का मिला था, यानी कि 120 रुपये का ये बॉक्स मुझे मिला था, तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास ये है, इसमें कुछ छोटे छोटे बम वगैरह, फूलझड़ी वगैरह नहीं, वो फिरकी वगैरह हैं दोस्तों, इसके प्राइस को पता नहीं है, तो आने वाली वीडियो में सबका पता चलेगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, और यदि आप लोग इसका क्लियर व्यू देखना चाहते हैं तो आने वाली वीडियोज़ में आपको एक एक पटाखे का क्लियर व्यू मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चले तो दोस्तों ये रॉकेट है, नहीं दोस्तों ये फूलझड़ी है दोस्तों, रॉकेट नहीं है सॉरी, ये फूलझड़ी जो बच्चे जलाते हैं दोस्तों, ये बिग साइज़ की है, इसको भी टेस्ट करके देखेंगे। और दोस्तों मैं करने को ये भी गिव अवे कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन ये बारूद वगैरह होता है तो ये ऐसे अलाउ नहीं होता है डाक वगैरह में देने पहुँचाने के लिए, काफ़ी दूर दूर से बंदे गिव अवे में जैसे पार्टिसिपेट करते हैं और जीत जाते हैं, तो मैं कैसे पहुँचाऊँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन गिव अवे में हम दीपावली के ऊपर कुछ गिफ्ट रखेंगे जो कि मैं
फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप तक पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि वे बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वही अनार वाला बॉक्स है दोस्तों, बिग साइज़ का। हमें 260 रुपये का एक अनार यानी 120 रुपये का बॉक्स मिला था। इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों वही है सेम वाला जो मैंने काफ़ी सारे परचेज किए थे, क्योंकि दीपावली पर अनार और स्काई शॉट में ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों ये वाले, ये दोस्तों बॉम है छोटे बड़ी साइज के, कोई VIP है, कोई सूतली सूतली क्या बोलते हैं इनको, मेरे को पता नहीं है। तो आने वाले वीडियोज़ में ये VIP देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा इसकी कैसे साउंड निकलती है और कैसे हैं, इस प्राइस पे खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए। सभी की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग आपको दीपावली से पहले मिल जाएगी। तो इनको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों ये वही पिक्चर है जो मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ, तो पार्टिसिपेट करना मत भूलना, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों इस पर कुछ एक्ट्रेस की फ़ोटो बनी हुई है और ये पता नहीं है क्या, इसमें पता नहीं चीज़ क्या है दोस्तों, तो इसको अनबॉक्स करके देख ही लेते हैं इसमें चीज़ क्या है। वो दोस्तों ये तो बिग साइज़ के इस बॉम है, तो इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। इसका प्राइस वाइज पता नहीं है, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको सभी का प्राइस मैं बता दूंगा, तो इसको भी एक बार साइड में रख ही लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ये वाली चकरियाँ दोस्तों, इसके प्राइस पता नहीं है, तो आने वाले वीडियो में बताऊंगा, इसको भी रखते हैं साइड में दोस्तों। तीन बॉक्स मेरे पास छोटी वाली चक्रियों के हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी दोस्तों बम है, इसको भी रखते हैं साइड में। और इसमें किसी में अनार है, किसी में बम है, किसी में फिरकी है, किसी में कुछ है, तो सभी की बारी बारी से आपको टेस्टिंग मिलेगी, अलग अलग वीडियोज़ बताएंगे, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स ये दोस्तों बिग साइज़ की चक्री है दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़ी साइज़ की। तो दोस्तों ये डब्बा मेरे को लगभग 250-300 रुपये के आसपास मिला होगा, कंफर्म मुझे याद नहीं है, तो आने वाले वीडियोज में इसकी टेस्टिंग के साथ आपको प्राइस भी बता दिया जाएगा, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों ये वाला, ये बिग साइज़ के अनार हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस पर चित्र भी देख के समझ चुके होंगे, तो इसके प्राइस वाइज सब आपको आने वाले वीडियोज़ में बता देंगे, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वही दोस्तों सेम अनार वाला बॉक्स है। और उसके बाद ये देखिए बॉक्स में कुछ खास बता दिए, ये कुछ प्रोडक्ट हमारे खुल चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं सारा प्रोडक्ट एक बार दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों इतने सारे क्रैकर्स हैं हमारे पास, तो इसको जलाने के लिए हमें माचिस भी बहुत सारी चाहिएंगी। तो दोस्तों ये देखिए, इसके लिए हमने मैच बॉक्स भी परचेज कर लिए हैं इतने सारे, इन सभी क्रैकर्स को जलाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सभी क्रैकर्स एक बार दिखा देता हूँ। इन सभी की टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगी, तो यदि आप लोग इसकी टेस्टिंग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।